हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो देखिए, मैं इस वीडियो में आपको विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर बता रहा हूँ, तो आपको एक एक करके सभी अंतर अच्छे से देख लेने हैं। स्पेशली कक्षा ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देख लें, क्योंकि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में जो अंतर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपकी फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र में ये अंतर दिया गया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको देख लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक एक करके मैं आपको सभी अंतर बताते जा रहा हूँ। पॉइंट वाइज देखते जाइए और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए, पहला जो हमारा पॉइंट है डिफरेंस का, वो है हमारा विद्युत वाहक बल क्या है। यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का विभवांतर होता है जबकि सेल खुले पथ में हो। ठीक है, ये आपका विद्युत वाहक बल का पॉइंट है। इसके बाद विभवांतर में देख लें आप, यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर है। इसके बाद देख लेते हैं हम दूसरा अंतर देख लें आप, दूसरा पॉइंट देख लें। दूसरा पॉइंट है हमारा जो विद्युत वाहक बल है, तो इस शब्द का उपयोग विद्युत स्रोतों जैसे जनरेटर, सेल, बैटरी, डायनेमो इत्यादि के लिए किया जाता है। और विभवांतर में क्या है, इस सेल का उपयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के लिए किया जाता है। तीसरा अंतर है जो हमारा, वो विद्युत परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है। ठीक है, ये आपका विद्युत वाहक बल में आ जाएगा। इसके बाद विभवांतर में है, विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं हम, चौथा पॉइंट है हमारा विद्युत वाहक बल में है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद विभवांतर में है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन बिंदुओं के बीच लगे प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी चार अंतर मैंने आपको बताए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, इसके बाद मैं आपको पूरा पेपर बताने वाला हूँ, आपका पूरा पेपर सेट बन के तैयार हो गया है, तो मैं पूरा पेपर सेट बताऊँगा आपको सब सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जैसे ही मैं पेपर सेट अपलोड करूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। थैंक यू।